उसमें जोकर का भी इंक्लूजन हो ओके okay. इंक्लूजन अगर रखे चलते हैं तो फिर फर्स्ट uh, वाले पे तब मैं डाल सकता हूँ उसको बट अभी okay. के लिए हाँ बट मै माई क्वेश्चन किसकी जगह फिर अभी जैसे सौ, अभी सौम्य को कर सकते हैं अगर देखा है सौम्य के साथ अगर okay. ट्राई करना चाहे तो सो यू आर सेइंग कर रहे हां यू आर सेइंग मान्या जोकर नकुल रोनी हम्म ये मतलब काफी बन सकता है बट अच्छी बात है कि मान्य की माइंडसेट पे ही चल रहा है कि वो टाइम देना चाहते हैं और सौम्य के साथ mm -hmm. बट वो जो इम्पैक्टफुल रिजल्ट है वो नहीं आ रहा है एट एक तरीके से वो फाइट्स नहीं हो रही है पूरी निकल रही है अपनी तरफ से वही है ना बट तो, तो, मेरी तरफ से भाई कुड गिव सम कंपटीशन अभी मेरे हिसाब से व्हाट अबाउट यू सदा जी सदा जी चले गए इनसेन सदा जी नहीं है हां हां कु गिव सम कॉम्पिटिशन अगर अभी भी पावर होता था तो फिर मैं क्लियरली आग बंद करके ट्रॉफी पर नाम प्रिंट करवा दो लिख दे, क्या देता बट अभी के लिए देखो जोकर अ ग्रेट प्लेयर जब जब हमने जोकर को पार्टिसिपेट करते हुए देखा है जब जब जोकर आया है उसने क्लच किया है लेकिन अभी देखो रॉनी और नकुल ये दोनों बहुत ज्यादा मेच्योर प्लेयर है बट जोकर क्योंकि उसको पिछले छह महीने का अगर आप टाइम पीरियड देखो तो प्ले टाइम उतना ज्यादा नहीं है जोकर एक्सेप्शनल प्लेयर है हमेशा उसने परफॉर्म किया है जब वो उतरा है लेकिन वो मेचोरिटी पूरी टीम में होती है एक प्लेयर की स्लाइटली लेस मेचोरिटी की वजह से कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ भी हो जाती है आई एम नॉट वो गड़बड़ कर रहा है टीम बहुत अच्छी है बट आप समझ सकते हो ना देखो यार कि अ बिग अ बिग शू टू फिल इन सो आई वुड गो विद कुड गिव सम कंपटीशन और मान्या तो देखो यार इज वन ऑफ दोज जिस पे आप हमेशा विश्वास कर सकते हो जैसे डेस्ट्रो है ना वैसी मान्या का भी हिसाब है कि इस पे विश्वास कर सकते हो बट अगेन BGMS throughout अब तक वो sparkling अभी तक वो अभी गया नहीं है जैसा हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे यार मेरे हिसाब से ना अभी तक performance आया नहीं है, चाहे कुछ भी कह लो, डू जनरली बहुत अच्छा खेलते हैं जनरली यार मानिया मेरे ख्याल से ना ये टूर्नामेंट ना थोड़ा अलग है एक तो सोम्या आया है अभी अभी, सोम्या आया है ऊपर से आते ही उसको नए रूल्स के साथ खेलना पड़ रहा है बाउंड्री भी है पावर प्ले भी है खेलने के तरीके को बदलना पड़ रहा है आ, उसके बाद मान्यानी खेल रहा था शुरू में तो नए आई के साथ भी खेल रहे थे तो मुझे लगता है ना ऑल ऑफ अ सडन टीम आइकोसोर में ना बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हो गए बट द गुड थिंग अबाउट दैट इज के उनके पास दो दो कोचेस कोच स्टाफ में दो दो अच्छे व्यक्ति हैं जो काफ़ी अच्छी तरह संभालते हैं अपनी टीम को मान्या के साथ मायावी की जोड़ी और आयोगी की जोड़ी काफ़ी अच्छी चलती है उसकी उनकी टीम के अंदर सो so, मुझे लगता है कि वो संभाल लेंगे फाइनल जैक कर लेंगे बट अभी तक के परफॉर्मेंस के हिसाब से समटाइम्स मे बी गुड समटाइम्स मे बी बैड इज गोइंग टू बी द वन बट बिकॉज ऑफ वोटिंग मैं उनको डाल रहा हूँ नंबर टू में क्योंकि आप दोनों ने गिव सम कॉम्पिटिशन में किया एंड मुझे पता है कि हाँ अभी तक परफॉर्मेंस अच्छा नहीं आया बट हाँ दे वुड डू समथिंग नाइस वो चैंपियन भी बन सकते हैं उसमें भी कोई वो नहीं है यहाँ पे कई लोग हैं जो चैट में कह रहे हैं कि हाँ चैंपियन भी बन सकते हैं ट्रॉफी पे नाम प्रिंट करवा दो बिकॉज मास्ट में किया है उन्होंने वो दोबारा भी कर सकते हैं